अनुराग ठाकुर जी जेड़े के साथ उन्ना विधानसभा के जगारू परमा ईमानदार हर वक्त हर कार्यकर्ता के मोटे ना मोटा ला के चलने वाले विधायक श्री रंग कौर सिटी जी मंजू चलेर जी जिला जी अध्यक्षा मनप्रीत सगन सिंह भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान जेड़ा अपना बलिदान देश दे दे के प्रदेश नूं वीर भूमि का नाम दिंदा है। आज ओही नौजवान नशे दे कारण उहदी जान जा रही अपने परिवार तो ते इस प्रदेश तो लग पड़े है। की असीं अपने प्रदेश नूं बचाना चाहते हैं? एक और नौजवान लुट रहा है, दूसरी और साड़ी खड्डां दा खनन कर करके इत्थे दा रेता ते बालू इत्थे तो बाहर बाकी प्रदेशां नूं बेचा जा रहा है। 300 रुपए मिलने वाला रेता ते बजरी आज 3,000 रुपए की ट्रॉली साडे नूं मिल रही। कितने 10-10 गुना दाम चले गए। शराब ते अफीम की बिक्री इत्थे खुले आम हो रही। खड्डां दी लुट ते इत्थे पेड़ां दे कटान लगातार चल रहे ने। वन माफिया ते खरण माफिया वालों करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी के नेतावां ने बना ले। साडे प्रदेश की संपदा लुट ली, साडे प्रदेश का खजाना लुट लिया, लेकिन तुहानू कुछ नहीं मिलिया। तुहानू मिलिया है तां 10 गुणा दाम ते जाके रेता बजरी मिली है। तुहानू मिलिया तां अपने बच्चे की लाश वापिस मिली है। इस प्रदेश नूं जे बचाना है, मैं तां ही कहा बार बार, जे बचाना है ते बचाण दे नाल नाल अगे वधाना है तां असीं एक बार फिर कमल दा फुल खिलाना है। आपकी रेता बजरी धन्य है, वो दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक पहुंच गई, वो हरियाणा पहुंच गई, वो उत्तराखंड पहुंच गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई प्रधान मुझे मिले हैं, पंचायतों के प्रधान जिनको पीछे नोटिस हो रहे थे। 31 मार्च आ रहा है, तुम्हारे विकास के पैसे आने पड़े हैं, खर्च करो। उनका बगैर रेत के कैसे खर्च करे, ना रेत है ना बजरी है। तो फतेहपुर में भी जंगलात वालों को पकड़ा गया, मारा गया, कोई भी पकड़ा नहीं गया अभी तक, किसने वो किया है। पंजाब में बड़ी चर्चा सुनते थे कि बहुत नशा है, और इतना प्रचार हुआ, बादल साहब ने इतना विकास करवाया था, वहां सरकार नशे के नारे पे उड़ गई। लेकिन याद करो, पंजाब की पुलिस ने छापा कहां मारा था, आपके ऊना जिले में आकर यहां इंडस्ट्री पकड़ी थी और कहा था कि नशे की दवाइयां यहां बनती हैं। और अब हमने, मैंने किसान विधानसभा में मामला उठाया, 15 फरवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ में एसएसपी ने एक एफिडेविट फाइल किया है। हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर नशे की दवाइयां आती कहां से हैं। एसएसपी ने लिख के दिया है कि हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों से, मनाली, मणिकर्ण, मंडी इत्यादि स्टेशनों का नाम लिखे भी वहां से नशा आता है। प्रदेश में जो शासन है उसको नेता नहीं चला रहे, हिमाचल प्रदेश में माफिया शासन को चला रहा है। जो लोग आज ड्रग बेचते हैं, जो आज हिमाचल प्रदेश में खनन के रूप में लोग जाने जाते हैं, उन लोगों का हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर कब्जा हो गया। हमारा जिला ऊना, हमारा स्वां, जहां से पूरे हिमाचल प्रदेश को रेत मिलता था, जिस स्वां के जनरेशन के लिए दो मंत्री जब पहली बार एमपी बने थे, चैनलाइजेशन का मुद्दा लोकसभा कैसे उठाया, उस समय कांग्रेस के लोग जो हंसते थे कि इतनी बड़ी नदी को चैनलाइज कैसे करेंगे, 4-4 किलोमीटर चौड़ी ये नदी। आज हम लोग अगर इस गांव के अंदर विकास का काम कर रहे हैं तो अनुराग ठाकुर जी के फंड से कर रहे हैं, एमपी लैंड से कर रहे हैं, और एमएलए फंड से कर रहे हैं, केंद्र से आयु स्कीमों से कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आए तो सही, मंच के ऊपर कभी मैं निमंत्रण देता हूं कांग्रेस के लोगों को, बहुत गरीब हूं लोगों को, कि माफिया के विरोध में घर घर में जाकर के कंप्लेंट क्यों बांटा जा रहा है, क्यों नहीं बांटे। अभी तक तो इसी गांव में बनता है,
शक्ति की शक्ति ग्राम पंचायतों के और तीनों के तीनों नगर पंचायतों के हर दराजे के ऊपर मैं खुद जाऊंगा अपन प्रदेश लेकर के और तुम्हारे सारे कारनामों को उजागर करूंगा। बोले हम माफिया के विरोध में बोले, हमने तो कांग्रेस बोला नहीं, पीछे बताओ हमने कहीं कांग्रेस का नाम लिखा, कहीं नाम लिखा तो बताओ। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप क्यों जस्टिफाई कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में माफिया नहीं है? अगर माफिया नहीं है हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में रेत की ट्राली 3000 रुपए की कैसे बिकी जो 400 रुपए की आती थी, इसका जवाब दो। अगर माफिया सक्रिय नहीं है हिमाचल प्रदेश में तो हमारे इस क्षेत्र के हर गांव की दुकान के ऊपर जहां चाय मिलनी चाहिए थी, किराना मिलना चाहिए था, मनियारी का सामान मिलना चाहिए था, और चाय की दुकान के ऊपर आज शाम के टाइम पर जाम क्यों दिखाए जाते हैं? कांग्रेस के लोग जवाब दें इसका। अगर हम उनके पास हर दुकान के ऊपर शराब बिकती है, मैं एक एक गांव के नाम लेकर के बताऊंगा। हमने बोला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कोई ऐसा धंधा करता हो तो पार्टी छोड़ दे या अपना काम छोड़ दे। बदमाशों के लिए यह पार्टी नहीं है मित्रों, ये पार्टी शरीफ लोगों की है। जयपुर बिहारी वाजपेयी लाल किशोर अडवाणी जी, आदरणीय प्रोफेसर बैंकर धोमल जी और शांता कुमार की पार्टी है। ये वीरभद्र सिंह जैसे बेईमान व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई बेईमान आदमी नहीं रहेगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, या वो गलत काम छोड़ दे या पार्टी को छोड़ दे, ये तय करना पड़ेगा। योगी जी ने भी कहा स्टेट हाईवे के बाहर ठेके नहीं होंगे साहब के। रात में हम यहाँ पर पोस्टर लगा रहे थे 11 बजे, कार्यकर्ता थे, मैं वहां पर साथ था। यानी वाजपेयी लाल किशोर अडवाणी जी, आदरणीय प्रोफेसर बैंकर धोमल जी और शांता कुमार की पार्टी है। ये वीरभद्र सिंह जैसे बेईमान व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई बेईमान आदमी नहीं रहेगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, या वो गलत काम छोड़ दे या पार्टी को छोड़ दे, ये तय करना पड़ेगा। योगी जी ने भी कहा स्टेट हाईवे के बाहर ठेके नहीं होंगे साहब के। रात में हम यहाँ पर पोस्टर लगा रहे थे 11 बजे, कार्यकर्ता थे, मैं वहां पर साथ था। 3 लोग यहाँ पर गिरे हुए थे शराब पी करके, 3 लोग। अभी भी मैं बता सकता हूँ कांग्रेस के लोगों को, वहां पर रात की टूटी हुई शराब की बोतल जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अगर कांग्रेसियों को लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, उस धरती को सूं करके देख ले उसके ऊपर शराब गिरी है या नहीं गिरी हुई है वहां पर। 3 लोग शराब पी करके ऐसे बैठे हुए थे, उनको पता नहीं लग रहा था, हमने जाना था वहां पर। हमने पूछा भाई साहब आप है कौन है, टूरिस्ट है ना कौन है, उनको पता लग रहा था कि आप कौन है। कभी इधर को जाए कभी इधर को जाए, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सड़कों के किनारे ठेके नहीं होंगे। और वीरभद्र सिंह को लगा मेरे रिश्तेदार जो शराब की लगामी कर रहे हैं उनको बहुत घाटा पड़ जाएगा, उन सब लोगों का सत्यानाश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के 16 स्टेट हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड डिक्लेयर कर दिया ताकि ठेके बंद नहीं होने चाहिए, ठेके चलते रहे। लोग पहली बार हुआ अनुराग ठाकुर जी ने जैसा बताया है कि हमने गडकरी जी से 61 नेशनल हाईवे लिए, हम आगे को जा रहे हैं, जो बेईमान पीछे को जा रहे हैं, जो पीछे को जा रहे हैं स्टेट हाईवे को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कारण है आज इस बैरियर के ऊपर? पिछली बार जो हमारे 30 रुपए लगते थे गाड़ियों के, आज वीरभद्र सिंह जी ने 40 रुपए कर दिया। हमारे अपने ही लोगों को धोमल जी अपने ही गांवों में जाने के लिए पैसा देना पड़ता है। हमारी सरकार को आने वाले टाइम में इसका निर्णय लेना पड़ेगा, जो टैक्स हो वो पूरे प्रदेश की 68 लाख लोगों के ऊपर लगे, बॉर्डर एरिया के ऊपर अकेला नहीं लगना चाहिए हमारे लोगों के।